नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज देख रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने आज तेजस्वी को लेकर बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि 15 सालों का जायजा किसी ने पूछा नहीं, यानी लालू सरकार से। उसके बाद भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि जो तेजस्वी यादव जो RJD है उसने महागठबंधन माले जैसे पार्टी के साथ कैसे कर लिया, जबकि 15 सालों में जनता को पता है कि जो विकास किए हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मोदी जी के अंदर हुआ है, क्या कुछ बोल रहे हैं भूपेंद्र यादव, पहले सुनिए। कभी कोई उनकी 15 साल की सरकार के हिसाब किताब की बात नहीं करते, कभी अपने पिताजी की विरासत की बात नहीं करते, और कभी ये भी बात नहीं करते कि माले जैसे संगठन के साथ उन्होंने क्यों समझौता किया, जिनका बिहार में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, ऐसे संगठन के साथ RJD ने समझौता क्यों किया। और वो ये भी नहीं बताते कि आखिर कौन सी चुनावी मजबूरी थी जो तेजस्वी यादव चुनाव में जातिगत वैमनस्यता को बढ़ाने वाली बात करने लगे, क्या निराशा उनके मन में आ गई। हम बिहार में सभी का साथ सभी का विकास और सभी के विश्वास की भावना को लेकर के आगे चले। बिहार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वो इनकार नहीं कर पाते, बिहार बिजली पानी सड़क में आगे बढ़ा वो इनकार नहीं कर पाते, बिहार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी उससे भी वो इनकार नहीं कर पाते। तो तेजस्वी यादव जी, आप क्यों बिहार के विकास को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप क्यों इस बात को नहीं मान रहे हो। ठीक है, आज आपको कल जनता ने अपने रुझान से स्पष्ट कर दिया है कि जनता आपके शासन काल को और आपका जो एक उस शासन काल का जो एक पोस्टर बॉय का चेहरा है उसको पूरी तरीके से नकार चुकी है। धन्यवाद। आपने सुना भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव ने सीधा सीधा जो है सवाल किया है तेजस्वी यादव से और उनके पिताजी यानी लालू यादव से कि ऐसा क्यों कि माले जो है उसको गठबंधन में शामिल किया गया है। आपको मैं से ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहिए DSD न्यूज। देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।